वेलकम टू ऑल व्यूअर्स, आप सबको लर्निंग इज फन विद रुबाब के चैनल में स्वागत है। ईद आप सबको बकरीद मुबारक हो। आज मैं बनाने वाली हूँ बकरीद स्पेशल हैदराबादी मटन बिरयानी। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने 1 kg का इंडियन मटन ले लिया है। चलिए अब हम इसे मैरिनेट करते हैं। चलिए अब इसके अंदर मैं डालूंगी लाल मिर्च पाउडर 2 tablespoons। अब इसके अंदर डालेंगे 2 tablespoons अदरक लहसुन पेस्ट। अब इसके अंदर डालूंगी 1 tablespoon हल्दी। चलिए अब हम इसे मिक्स करते हैं। इसे स्टर करते हैं। आप देख सकते हैं मटन अच्छे से मैरिनेट हो गया है। तो चलिए अब हम इसे 1 घंटे तक ढक कर रख देते हैं। चलिए अब हम खड़ा मसाला पीसते हैं मैरिनेशन के लिए। तो यहाँ पर मैंने लिया है दालचीनी, लौंग, इलायची और शाजीरा। देख सकते हैं गरम मसाला अच्छे से ग्राइंड हो गया। तो चलिए अब हम इसे चिकन और मटन के अंदर खा लें। बेसिक पाउडर हम लोग ने यहाँ किया है। अब हम इसके अंदर अब हम लोग इसके अंदर डालेंगे फ्राइड ऑनियंस। ये इसके अंदर डालेंगे नींबू का जूस। अब हम इसके अंदर अपनी हरी मिर्च डालेंगे। चलिए अब हम इसे मिक्स करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर मैंने 1 किलो चावल ले लिया है। इसको मैंने 1 घंटे पहले भिगा दिया था। तो चलिए हम देख सकते हैं यहाँ पर मैंने पानी चढ़ा दिया है। इसके अंदर मैं चावल डालूंगी। जब ये पक जाएगा चलिए अब हम इसे ढक दें। और साथ ही साथ में यहाँ पर हमारा चिकन भी, यहाँ पर हमारे मटन भी अच्छे से पक रहा है। हम इसे 1 सीटी पर निकाल। इसके अंदर हम डालेंगे गरम मसाला और तेल। मटन अच्छे से गल गया है। अब हम बिरयानी दम देते हैं। अब हम लोग
अंदर ही डालते हैं। इसके अंदर फूड कलर डालते हैं। जूस डालते हैं, डालते हैं। देखिए 10 मिनट तक दमने कर देंगे मीडियम फ्लेम। हमारी बिरयानी तवे के जरिए सेकने के लिए ठीक है। हैदराबादी मटन बिरयानी सर्व हो गई है। मैंने इसे चटनी के साथ सर्व कर दिया है। आप भी ये रेसिपी अपने घर पर जरूर ट्राई करना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको रेसिपी कैसी लगी। और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय।